Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about Chapter 13, India's External Relations. Today's our topic is India-Russia relationship. First point, economic relationship. तो आपने कल पढ़ा था कि इंडिया और क्या है रसिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1947 से ही क्या काफी बेटर चल रही है. रसिया ने इंडिया की काफी हेल्प की है. तो अब इसकी रिलेशनशिप को हम क्या पॉइंट वाइज लेंगे. सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप. इंडिया और रसिया की इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है, काफी बेटर. 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो उसके बाद क्या रसिया ने, हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिकली रूप से क्या है, इंडिया की काफी सहायता की. उस टाइम पर इंडिया के पास क्या है, हम ये कह सकते हैं सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी. तो उस समय क्या है, इंडिया की किसने हेल्प की थी, रसिया ने हेल्प की थी. इसके अलावा दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो काफी लंबे समय से काफी बेटर चल रहा है, स्टार्टिंग से ही काफी बेटर चल रहा है. तो अकॉर्डिंग टू 2015 783 बिलियन डॉलर्स का जो क्या है दोनों के बीच में क्या है ट्रेड चल रहा है, जो 2000 क्या है 75 तक है 30 बिलियन तक क्या है पहुंचा है. इसके अलावा दोनों ने क्या है एफडीआई के ऊपर भी काम किया है, फ्री या डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो इसके अंदर क्या है कि दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के अंदर क्या है विदेशों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. उसके लिए काफी एक दूसरे को क्या है छूट भी दी जा सकती है. तो कहने का मतलब यह है कि दोनों इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अंदर काफी बेटर चल रहे हैं. अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए, कॉरिडोर को बढ़ाने के लिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया है. इंडिया भी इसका एक क्या है मेंबर है. और इंडिया क्या है ग्रीन कॉरिडोर के अंदर आता है, जो क्या पोल्यूशन वगैरह के जैसे मुद्दे हैं या इन्वायरमेंट से संबंधित है उसके ऊपर भी क्या है इंडिया काफी अच्छे से काम कर. नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिलेशनशिप दोनों के अंदर. तो इंडिया ने क्या है 74 तक एटॉमिक हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर के ऊपर टेस्ट किया था. तो तब तक क्या है रशिया ने काफी इंडिया की हेल्प भी की थी. तो उसके बाद अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें कि तमिलनाडु के अंदर अभी जैसे 6 यूनिट न्यूक्लियर पावर्स की या न्यूक्लियर एनर्जी की बात चल रही है, तो उसमें तमिलनाडु के अंदर जो 6 यूनिट बनाई जा रही है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, तो वो किसके कॉम्बिनेशन से बनाई जा रही है, रशिया के कॉम्बिनेशन से बनाई जा रही है. तो 2014 से स्टडीज विजन के तहत क्या है इंडिया और रशिया दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को क्या डेवलप किया जा रहा है. आज क्या है वर्ल्ड के अंदर जो मुद्दा है वो न्यूक्लियर या एटॉमिक बम का नहीं है, बल्कि आज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने का है. तो रसिया भी इसके अंदर क्या है इंडिया का काफी हेल्प करता है. दोनों हम ये कह सकते हैं कि इस लेवल में भी काफी अच्छे फ्रेंड है. नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है स्टार्टिंग से हम कह सकते हैं 1950 से ही क्या है रसिया ने काफी इंडिया की हेल्प की थी. काफी ट्रूप्स के लिए वेपन्स वगैरह है, हम ये कह सकते हैं कि किसी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन्स वगैरह है, तो हम ज्यादातर कहां से मंगवाते थे, रसिया से ही मंगवाते थे. तो इसके लिए अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो हाई लेवल साइंस टेक्नोलॉजी कमीशन क्या है डेवलप किया गया है दोनों कंट्रीज के लिए, जिसके अंदर क्या है रसिया और इंडिया मिलकर के इस हाई लेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या है दोनों कंट्रीज को आगे लेकर दिया जाएगा. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज क्या है नेटवर्क भी बनाया गया है, काफी जो रसिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है या इंडिया की यूनिवर्सिटीज है वो आपस में मिलकर के काम करेगी. नेक्स्ट है कल्चर. सबसे इफेक्ट इस बात का पड़ता है. तो हमेशा से क्या है रशिया ने इंडिया के कल्चर की क्या की है, मतलब उन्होंने इंडिया के कल्चर को अपनाया, उन्होंने इंडिया के कल्चर्स को कभी भी अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका क्या है हम ये कह सकते हैं कि 67 तक अमेरिका को क्या है इंडिया के अंदर ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वो इसके कल्चर को अच्छा नहीं मानता. लेकिन रशिया क्या स्टार्टिंग से इंडियन कल्चर को क्या मानता है बेटर मानता है. तो इसके अलावा उन्होंने क्या है रशिया के अंदर क्या है इंडियन लिटरेचर को भी स्टडी करवाया जाए, जो हमारा पुराना इंडियन लिटरेचर है वो रशिया के अंदर स्टडी करवाया जाए. अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ भी काफी लंबे समय तक काफी यूनिवर्सिटी के अंदर रशियन लैंग्वेज को क्या है पढ़ाया जा रहा है. इसके अलावा इंडिया के अंदर जो योगा है वो रशिया के अंदर आजकल वर्ल्ड के अंदर ही कह सकते हैं कि काफी फेमस हो चुका है. इसके अलावा 2018 के अंदर ईयर ऑफ टूरिज्म चलाया गया था, ताकि क्या है दोनों कंट्रीज के क्या जो भी टूरिज्म के लिए जो पीपल्स वगैरह या सिटीजन आए आपस में, तो वो एक दूसरे के कल्चर को जान सके. तो इसलिए 2018 को क्या ईयर ऑफ टूरिज्म के लिए बनाया गया था, जो रशिया और इंडिया के बीच में था. नेक्स्ट है कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया 2017 से लेकर के 19 तक.
यानी कि दोनों एक दूसरे के कल्चर को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या है, इंडियन कल्चर की काफी छवि क्या है देखने को रशिया के अंदर मिलती है, और रशियन कल्चर भी क्या है हम काफी हद तक क्या है यहाँ पर इंडिया के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें यूएन की, G20 की, तो हमेशा से क्या रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी हमेशा से हम कह सकते हैं कि 1990 से पहले तो क्या है इंडिया और रशिया दोनों एक साथ ही थे, उसके बाद हमारी पॉलिसीज में काफी डिफरेंस किया है। तो आज भी क्या है यूएन के अंदर क्या है हमेशा से क्या है रशिया इंडिया के फेवर में रहा है। G20 का मेंबर दोनों बन चुके हैं, एससीओ का जो मेंबर है उसकी वकालत जो की थी इंडिया को शामिल करने की या मेंबर बनाने की वो क्या रशिया ने की थी, और 2017 के अंदर इंडिया को क्या है एससीओ का क्या मेंबर बनाया गया। इसके अलावा एशियन जो है उसका क्या ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में भी क्या है रशिया को इंडिया ने शामिल किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के रूप में दोनों कंट्री एक दूसरे के काफी साथ है। नेक्स्ट है हमारा लुकिंग एट, अगर हम एट प्रेजेंट की बात देखें तो काफी ऐसे एरियाज आते हैं जैसे कि न्यू जनरेशन का, यंग जनरेशन का है, एग्रीकल्चर का है, स्किल डेवलपमेंट का है, इस तरह के काफी सारे एरियाज हैं जिसके अंदर क्या है दोनों कंट्री मिलकर के काम कर सकते हैं या कर भी रहे हैं। तो इसके अंदर एट प्रेजेंट का जो भी है कि जिसके अंदर हमें जरूरत है हम कर रहे हैं तो वो आप इसके अंदर राइट कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप।